तमाम पशुपालक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज आपके लिए हम लेकर के आ रहे हैं कृषि से संबंधित और पशुपालन से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें आप सामने मेरे हाथ में फलियां देख पा रहे हैं। ये फलियां हैं जो मोरिंगा पौधा होता है, सहजन जो पौधा होता है, उस सहजन की ये फलियां हैं। और सहजन की ये PKM वेराइटी है, जिसकी फली आप देख सकते हैं मेरे हाथ में। यानी मेरी हाइट लगभग 5.5 फीट के करीब है, जिसमें लगभग 4.5 से लेकर 5 फीट तक की लेंथ की फली है। इसकी क्वालिटी यदि आप देखते हैं तो बिल्कुल पतली फली होती है, और इसकी लंबाई है वो अधिकतम होती है। बिल्कुल पतली फली और इसकी लंबाई है वो सभी फलियों की लंबाई अभी 4 फीट से ज़्यादा है। तो इस तरह की जो सहजन है, वो मोरिंगा है, वो नॉर्मल किसानों तक नहीं पहुंच पाता इतनी अच्छी क्वालिटी का। तो इसीलिए हम आपके लिए ये वीडियो लेके आए हैं। और यहाँ पर जो मोरिंगा कल्टिवेशन किया गया है, वो आपको हम दिखाना चाहेंगे कि इंटरक्रॉपिंग के रूप में मोरिंगा को लगाया गया है। प्याज और प्याज के साथ में मोरिंगा की खेती है वो यहाँ पर की जा रही है। इसी के अंदर साथ साथ में आप देख सकते हैं जो मोरिंगा की बेड जो बनाई गई है, वो मल्चिंग और जो ड्रिप इरिगेशन है, ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग पे लगाई गई है, ताकि इसके अंदर कचरा कम हो और पानी का है वो सदुपयोग हो सके। मोरिंगा के मैं आपको उपयोग बताने की यदि बात करूं कि इसका यूज़ क्या क्या होता है, तो इसकी फलियाँ हैं, इसे अचार के रूप में काम में ले सकते हैं, इसे सब्जी बनाने के लिए काम में ले सकते हैं, इसका पाउडर बना के भी मोरिंगा की फलियों का काम में लिया जा सकता है। मोरिंगा की जो लीव्स हैं, जो पत्तियाँ हैं, इनको भी पाउडर के रूप में काम में लिया जाता है। एज सच इसकी पत्ती को खाया भी जा सकता है। मोरिंगा पाउडर आजकल मार्केट में बहुत महंगा है, कम से कम 1000 रुपये किलो ये ऑनलाइन मिलता है। और पशु चारे के लिए भी गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सब पशुओं के अंदर फोडर के रूप में मोरिंगा लीव्स को काम में लिया जा सकता है। मोरिंगा की जो पत्तियां होती है, मोरिंगा की जो प्रॉपर्टी होती है, उसमें आयरन और कैल्शियम है वो रिच होता है। तो यदि पशुओं में या मनुष्य खुद भी इसे काम में लेता है, तो इससे अच्छा शरीर के लिए भी बेनिफिट है, और पशुओं के उत्पादन और प्रोडक्शन दोनों के अंदर इसका शानदार है वो परिणाम देखने को मिलता है। तो आप एक बार ये दोबारा से देख सकते हैं, इतनी शानदार क्वालिटी वाली PKM 1 वेराइटी जो मोरिंगा की है, इसके बारे में आप जानकारी सुन रहे हैं, इसके बारे में आप देख सकते हैं। और पूरे के पूरे पौधे भी यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये जो आप सामने देख पा रहे हैं कि मोरिंगा का पेड़, जिसको नीचे लगभग हर एक साल के बाद काट दिया जाता है, और एक साल में ये पूरी ग्रोथ करके इतने अच्छी फलियां, इतने अच्छे फ्रूट के रूप में अपन लोगों को देता है, जिसमें आप देख सकते हैं 4 से 5 फीट की इसकी फली की लेंथ रहती है, और पूरा पौधा है वो लगभग 10 से 12 फीट का होके और अपने को फलियाँ है देता है। साथ ही साथ में जैसे मैंने पहले भी बताया कि चारे के रूप में इसकी लीव्स को, पत्तियों को काम में लिया जा सकता है। पशुओं के लिए इसका चारा सर्वे श्रेष्ठ चारा माना गया है, और बकरियों के लिए, गायों के लिए, भैंसों के लिए, सब में इसके चारे का काम में लिया जा सकता है, जिसके अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन, सभी मिनरल्स आवश्यक जो होते हैं शरीर के लिए, पशुधन के लिए, वो इसमें उपलब्ध रहते हैं। तो आप सब ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी को देखा, सुना, इसके लिए सभी साथियों का धन्यवाद। मोरिंगा कल्टिवेशन यानी सहजन की खेती के अंदर आप सामने देख सकते हैं मोरिंगा की PKM वेराइटी है, जिसकी लेंथ है वो 5 फीट है, और इसकी मोटाई है वो बहुत कम होती है। तो इसे सब्जी बनाने के लिए, अचार बनाने के लिए काम में लिया जा सकता है, जो कि बहुत ही पौष्टिक होती है।